बॉलीवुड के इतिहास में इस साल का इंडिपेंडेंस डे काफी एंटरटेनिंग और हिस्टोरिकल होने वाला है। एक तरफ अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल हैं। दोनों का आज तक बॉलीवुड के इतिहास में कभी क्लैश नहीं हुआ। इसी बार ऐसा होगा जब दोनों की फिल्में एक ही वीकेंड में टकराएंगी और एक दूसरे को कमाई के मामले में टक्कर देंगी। अक्षय कुमार के OMG का पार्ट 2 रेडी हो चुका है। सेंसर बोर्ड से जो भी झगड़े होने थे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। मूवी को UA सर्टिफिकेट मिल चुका है और अब फाइनली मूवी के प्रमोशन स्टार्ट हो गए हैं। जबकि सनी पाजी की जो गदर 2 है उसके काफी महीनों से स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम PR सब कुछ चल रहा है और मूवी का पॉजिटिव बज बन चुका है बिकॉज इसके गाने बहुत अप्रिशिएट हो रहे हैं और टाइटल ट्रेलर भी काफी मासी है। जबकि OMG हमेशा की तरह सोशल ओरिएंटेड सब्जेक्ट पर काम करती है और अपने सब्जेक्ट से पब्लिक को अटेंशन देगी। बहरहाल दोनों फिल्मों के एडवांस बुकिंग भी खुल चुके हैं और इस पूरी रेस में अक्षय कुमार से भारी पड़ रहे हैं सनी पाजी। इसके वैसे भी कई रीजन है। पहला रीजन तो ये कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोलबाजी चल रही है वहां पर अक्षय कुमार के खिलाफ काफी गलत माहौल बना है। उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो चुकी हैं जबकि सनी अपनी क्यूट इनोसेंट अदाकारी से गदर 2 में अच्छी वापसी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसके एडवांस बुकिंग जो है वो नेशनल चैन के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है बिकॉज उसकी विंडो काफी पहले से खुली थी। प्लस जो छोटे सर्किट्स हैं नेशनल चैन के बाहर के मास अपील वाले सेंटर्स हैं वहाँ मूवी को तगड़ी ओपनिंग मिली है। यानी गदर 2 के अगर टिकट की बात करें 3-4 अगस्त तक के तो करीब 18,000 से ऊपर टिकट बिक चुके हैं जो कि कलेक्शन को काफी अच्छी स्टार्ट दे देंगे। और बॉक्स ऑफिस पंडित कहते हैं कि मूवी का जो ओपनिंग वीकेंड होगा वो 20-25 करोड़ हो सकता है जो कि बहुत बड़े कलेक्शन होंगे। जबकि अक्षय कुमार की OMG 2 को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा और सारी कहानी वर्ड ऑफ माउथ के दम पर चलेगी। बहरहाल टिकट की बात करें तो वैसे भी OMG 2 की विंडो काफी लेट खुली है और करीब 2-3 हजार टिकट बिके हैं जो कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा मार्जिन है। यहाँ पर पूरी तरह रेस सनी देओल के हाथ में है और अक्षय कुमार को बाद में वर्ल्ड ऑफ माउथ पे ही चलना पड़ेगा। हालांकि गौर करने वाली बात है कि दोनों के बजट में काफी डिफरेंस है। जहाँ OMG का पार्ट 2 बहुत सस्ते बजट में बना है करीब 30-35 करोड़ में, वहीं गदर 2 का जो बजट है करीब 200 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। एक तो इसकी पूरी सेट डिजाइनिंग पीरियड के हिसाब से करनी पड़ती है, दूसरा इसके म्यूजिक इसका जो स्केल है एक्शन स्टंट का बहुत खर्चीला है। जबकि OMG का पार्ट 2 है उज्जैन में बहुत ही छोटे एरिया में शूट हुआ है और बहुत ही बाउंड स्क्रिप्ट के अंदर काम हुआ है। तो एडवांस बुकिंग की रेस में भले ही सनी देओल आगे जा रहे हो बट आने वाले टाइम में अक्षय कुमार की मार्केटिंग या कह लीजिए अक्षय कुमार की मूवी का कंटेंट कैसे बोलता है ये बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। और अक्षय भी कुछ सोच समझ के मूवी को क्लैश दे रहे होंगे, उनको अपने कंटेंट पर भरोसा होगा। अभी कंटेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में कन्वर्ट होता है कि नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा और इस बार डिसाइड हो जाएगा 2.5 किलो का हाथ भारी पड़ता है या फिर अपने खिलाड़ी भाई का खेल। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।